हमीरपुर और मंडी सीट से प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बनने से भाजपा की पहली सूची में हिमाचल प्रदेश को जगह नहीं मिल पाई है। भाजपा 5 मार्च के बाद कभी भी अगली सूची जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को उनकी परंपरागत सीट हमीरपुर से टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। हालांकि मंडी सीट से जयराम ठाकुर की उम्मीदवारी पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। यहां से किसी अन्य चेहरे पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। शिमला, हमीरपुर और मंडी सीट से प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बनने की वजह से भाजपा की पहली सूची में हिमाचल प्रदेश को जगह नहीं मिल पाई थी। भाजपा 5 मार्च के बाद कभी भी अपनी अगली सूची जारी कर सकती है। मौजूदा सियासी घटनाक्रम की वजह से भी हिमाचल के टिकट दूसरी सूची में आने की संभावना है। साथ ही कांगड़ा से कांग्रेस के एक बागी विधायक को टिकट देने का विकल्प खुला हुआ है। चर्चा यह भी है कि भाजपा इस सीट पर सुधीर शर्मा के सामने प्रत्याशी बनने की पेशकश कर सकती है, पर फिलहाल इसके नफे नुकसान को आंका जा रहा है, क्योंकि कांगड़ा में ओबीसी और गद्दी फैक्टर की कार्ड ढूंढना भी जरूरी है। सांसद किशन कपूर को भाजपा प्रत्याशी बनाए रखने पर संशय बना हुआ है। मंडी लोकसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सबसे मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं, मगर केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ही सक्रिय करना चाह रहा है। यहाँ पर कोई अन्य चेहरा तलाशा जा सकता है जो सांसद प्रतिभा सिंह या विक्रम आदित्य सिंह में से किसी एक के कांग्रेस उम्मीदवार होने की स्थिति में दमखम दिखा सके। शिमला लोकसभा सीट से 3 महिला प्रत्याशियों के नाम भी चल रहे हैं। इनमें रोडू से भाजपा नेत्री शशि बाला, शिमला की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट और सिरमौर के पछाड़ की भाजपा विधायक रीना कश्यप का नाम भी चर्चा में है। देश में कभी भी लोकसभा चुनाव का डंका बज सकता है। 10 मार्च तक आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भाजपा ने पड़ोसी राज्यों उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। अब दूसरी लिस्ट भी जारी करने की तैयारी है। वहीं कांग्रेस पार्टी में अभी तक प्रत्याशियों को लेकर असमंजस बना हुआ है। बताया जा रहा है कि भाजपा के बाद ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। हिमाचल प्रदेश में सरकार और पार्टी के बीच चल रही खींचतान के चलते चारों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय करना कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में मौजूदा सियासी संकट से उभरने के बाद भी अभी तक प्रत्याशियों के नाम पर मुहर नहीं लग रही है। उल्लेखनीय है कि मंडी सीट से प्रतिभा सिंह का चुनाव लड़ना पहले तय माना जा रहा था, लेकिन सरकार और संगठन के बीच चल रहे घमासान और गतिरोध के बीच अब इस सीट पर भी टिकट को लेकर असमंजस बन गया है। प्रतिभा सिंह वर्तमान में मंडी संसदीय सीट से सांसद हैं। दरअसल अभी तक सरकार डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।